हेलो स्टूडेंट्स, असीं श्रोमणी पंजाबी व्याकरण अते रचनावली विचों अज असीं जिहड़ा आ अणडिठा पैरा इहनू करन दी कोशिश जिहड़ी आ उह करांगे। इहनू समझण दी कोशिश करांगे कि अणडिठा पैरा विच किहड़ियां किहड़ियां गल्लां दा जिहड़ा उह ध्यान रखणा जिहड़ा उह जरूरी है। ठीक है, अणडिठा पैरा तों भाव है अणदेखी वार्तक रचना। अणदेखी वार्तक तों भाव है कि पैरा पाठ पुस्तक तों बाहरों किसी भी लिखत विच लिया जा सकता है। इन्हां विच आम जानकारी भी दित्ती जा हुंदी है कि पैरे दे हेठां इस बारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हां प्रश्नों के उत्तर पैरे विचों लभणे पैंदे ने ते इस राहें विद्यार्थी की बुद्धि की परख हुंदी है कि यह जिहड़ा पैरा कितों भी आ सकता है। कोई पर्टिकुलर मैनशन नहीं है कि जे तुहाडे ग्रामर की बुक 'च 20 पैराग्राफ ते ने इहदे विचों ही कोई आएगा, नहीं, पैरा कितों भी आ सकता है। हो सकता है इन्हां 20 विचों भी आ जाए। इस करके कुछ एग्जाम्पलां दित्तियां गईयां, इन्हां चंगी तरह तुसीं पढ़ो समझो जो तुहाडे पेपर विच लिखण विच तुहाडी सहायता जिहड़ी आ उह कर सकदे ने। किहड़ियां किहड़ियां गल्लां दा ध्यान जिहड़ा रखणा पैंदा है आओ असीं उह देखीए। सब तो पहला पैरे नूं चंगी तरह 2-3 वार कहिंदे पढ़ लैणा चाहीदा है। प्रश्न नूं चंगी तरह घोल लैणा चाहीदा है। घोलणा उस प्रश्न नूं चंगी तरह समझ लो पहलां किहड़ी गल पुछी गई है। पैरे नूं पढ़दे समय दित्ते गए प्रश्नां संबंधी उन्हां लाइनां थले लकीरां ला लैणियां चाहीदियां ने जिथे प्रश्नां दे उत्तर संभावित होण। कि जे तुहानूं पढ़दे पढ़दे किते लग रहा कि हाँ इस प्रश्न दा ए लाइन हो सकदी है, उहनूं अंडरलाइन कर लैणा चाहीदा है। जे पैरे दा सरलेख पुछा जावे तां बिल्कुल ढुकवां देना चाहीदा है जो पैरे दे भावां नूं प्रगट करदा है। कि सरलेख मतलब नाम, जिदा फॉर एग्जाम्पल श्री गुरु नानक देव जी दा असीं ऐसे पढ़ने हां, उस ऐसे दा नाम की है श्री गुरु नानक देव जी। इसे तरीके नाल अगर पैरा आया इहदे पैरे दा नाम की हो सकता, उसका सरलेख की है, उस तरीके ना तुसी दा नाम लिखना। ओके शब्दों के अर्थ भी पैरे के वाकों के संदर्भ में पढ़ के लिखने चाहिए ने। ठीक है, तो कई बार प्रश्नों का उत्तर सारा पैरा पढ़ के मिलता है, इसलिए अजिहे प्रश्नों के उत्तर देने लिए खास ख्याल रखा जाए। प्रश्न के उत्तर पैरे विचले विचारों लैके ही देने चाहिए ने, अपने विचार नहीं देने चाहिए। कि जो भी तुसी आंसर लिखो वह पैरे के अकॉर्डिंग ही वो आंसर दिते जाण ते सब नालों चंगी गल होगी। लास्ट है प्रश्न के उत्तर संखेप विच होने चाहिए ने, परंतु पैरे के मूल विचारों ना छड्डिया जाए। कि जिन्ना हो सकते शॉर्ट आंसर देने की कोशिश जी करो, तो पर टॉपिक ना रिलेटड ही वो जड़े गल्लां तुसी लिखनिया ने। आओ एक एग्जाम्पल देखिए, ये देखो पेज नंबर 155 पे तुहाडी एग्जाम्पल जी दित्ती गई है कि मरण का डर हर एक नूं चंबड़िया होया है। इतना आम है कि जिथे कितें भी जिंद है, जिंद यानी जान है, मरण का भय मौजूद है। ये पूरा पैरा है। तो इस पैरे के लास्ट विच तुसी देखो तो क्वेश्चन आंसर जिहड़े उह दित्ते गए ने कि मरण का भय कित्थे मौजूद है। असीं पहली लाइन पढ़े जिथे कितें भी जिंद है उत्थे मरण का भय मौजूद है। इस ही तरीके नाल बेटा तुहानूं ये क्वेश्चन आंसर जिहड़े आ उह पुछे जांदे ने, तुसीं उहदा आंसर जिहड़ा अपने तरीके नाल तुसीं लिखणा है। लास्ट जिहदा मोटे शब्दों के अर्थ है, मोटे शब्द जिहदा अंडरलाइन डार्क किए हुए शब्द है, एक जिहदा शब्द है डार्क किए होणगे जां कई वेले अंडरलाइन किए होणगे, इन्हां नूं असीं मोटे शब्द जिहड़े आ उह कह दिंदे आ। इन्हां दे तुसीं जिहड़े अर्थ जिहड़े आ उह लिखणे हुंदे ने। ते कई वारी एक क्वेश्चन होर आंदा है कि इस पैरे दा सरलेख की आ। सरलेख मतलब इस पैरे दा नाम की है, टाइटल की इहनूं असीं दे सकदे आ। कई वारी प्रश्न जिहड़ा इह वी पुछा जांदा, तुसीं उस नूं अपने अकॉर्डिंग तुसीं जिहड़ा उहदा लिखणा हुंदा। तो बेटा जी तुहाडे बुक दे विच ते 1 तों 20 155 पेज नंबर तों तुसीं देखो तो 1 तों 20 तक 1 to 20 तक जिहड़े अणडिठे पैरे दित्ते हुए ने। इन्हां पैरियां नूं चंगी तरह तुसीं रिवाइज़ करो, इन्हां नूं समझो। हो सकता है कोई इन्हां विचों आ जाए, तो हो सकता बाहरों भी कितों कोई भी ऐसा अणडिठा पैरा आ सकता है। तो इन्हां नूं रिवाइज़ करो, इन्हां नूं तुसीं समझो। ये तुहाडे 10 नंबर का पैराग्राफ जिहड़ा आंदा है। थैंक यू।